हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। तो आज है भैया भाभी की सालगिरह और मुझे सुबह सुबह से मुझे सरप्राइज़ मिला है कि मैं क्या बोलूं। आज सुबह रेड साड़ी पहनने का मन था मंदिर जाने के लिए भाभी का, और पता नहीं कब रूम में आई है और कब साड़ी निकाल के ले गई, और मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने कौन सी साड़ी पहनी है। एक मिनट, ये देखिए भाभी क्या पहनी हुई है। तो भाभी पहनी है आज ये साड़ी जो कि मेरी और आशीष जी की फेवरेट है। ये साड़ी जो मैं जबलपुर से एक ही साड़ी मात्र लेकर आई हूँ वो है ये वाली, और शादी के सालगिरह के दिन वो पहनना चाहती थी मेरी साड़ी कि दीदी मुझे आपकी साड़ी पहनना है। वो कब निकाल के लेगी मेरे को पता भी नहीं चला, उसको पता इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है मेरे लिए, इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है बताओ। कितनी बड़ी बात है, और अच्छा बड़ी बात। अब और अच्छी लगूंगी कितनी अच्छी लग रही है ना, आपके भाई तो बिलीव ही नहीं कर पाए। ये देखो मिली कैसे, ये क्या बोलना चाहेंगे आप, है ना। और ऐसे ही हाँ, थोड़ा सा इमोशनल हो गए। वो बोले ये मेरी फेवरेट साड़ी है, दीदी ने जब पहनी थी मैंने अपने देवर की लगुन में पहनी थी ये साड़ी, और उसके बाद फिर शायद एक बार और पहनी है, फिर नहीं पहन पाई मैं। होते हैं कि ये शायद यही पहननी लिखी थी अभी अब बोलो हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। और ये तो ये मेरे लिए सरप्राइज हो गया, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट। मुझे नहीं पता था कि मुझे गिफ्ट मिल जाएगा, और भगवान तेरे को इतना सुखी रखे ना, इतना सुखी रखे ना, क्योंकि इसको निकल जाने दो पहले मैं बोलना चाहूंगी सच में कितनी प्यारी है। मतलब मैंने भी सीधे पल्ले में पहना था, मैं गई मिनट में इसको सीधे पल्ले में पहनूंगी तो बहुत अच्छी लगूंगी। तो ये मेरे को बोले दीदी ने भी ऐसी पहनी थी, फिर मेरे बहुत सारे ब्लाउज ढूंढे, मैंने बोला यार काश मुझे पता होता तो मैं इसको थोड़ा और रेडी रखती। आज मेरे पास रेड साड़ी नहीं थी, और मेरे को दिमाग में दीदी की साड़ी, पता नहीं अचानक ही ब्लिंक किया दिमाग में, कुछ नहीं आया, बस दीदी की साड़ी पहनूंगी आज मैं। जी हाँ जी, आए तुम्हारे दिमाग में सच में, वाकई में जीजू का ही आशीर्वाद लेना बाकी था, तो बस पहन ली मैंने। कैसी लग रही हूँ मैं? कोई भी कुछ भी, हमारे तीज त्योहार होता है ना, सबसे पहले शोभा याद करती है आशीष जी को, सबसे पहले। अभी मैं जा रही हूँ ना, उन्हीं को प्रणाम करने ही जा रही हूँ, फिर हम मंदिर निकलेंगे उनको प्रणाम करके। चलो मम्मी पापा को भी दिखाती हूँ, अभी मैंने किसी को नहीं दिखाया। पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं मंदिर जाऊंगी दर्शन करने, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ मम्मी कनेक्शन देख, मम्मी मैंने क्या पहना आपने देखा, मम्मी ने याद आया, आज आ गया मैं वही बोल रही हूँ, मम्मी कुछ बाहर गई, आज मेरे पास रेड साड़ी नहीं थी। अरे इसको अभी आना था क्या यार, ये जब से जा ही नहीं रहा यार। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे करके लगा के थोड़ी आवाज कम कर सकते हैं। पापा कहें, पापा दादू नानू का नाम, पापा कहें, पापा पापा कहें, पापा इधर आ जाओ, पापा इधर आओ जल्दी, एक सरप्राइज है, पापा जल्दी आओ जल्दी, ये बना के रखी खाना। पापा जल्दी आओ, आ गए आ गए पापा, ताशु मामी कैसी लग रही है, पापा मेरे को देखो साड़ी कौन सी है, वो ही भी किसी ने ध्यान दिया, मैंने ध्यान दे दी, मैंने कौन सी है वो ही, पहले उसको देखा था मैंने, पहले इसको देखा, ये वो साड़ी है पापा जो दीदी मतलब जीजू की फेवरेट साड़ी है। कितनी प्यारी लग रही है यार, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है जीजू भाई, कैसी लग रही हो जीजू, बोल मस्त बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, अब मैं मंदिर जाऊंगी, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। आपके भाई के तो शब्द ही नहीं आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में रो ही देंगे। देख ही रहा मैं क्या हो गया, देख ही रहा, अच्छी लग रही, अच्छी लग रही, ताशी में कैसी लग रही जल्दी बता दे, मम्मा की साड़ी पहनी है, मम्मा की पापा की फेवरेट साड़ी है ये, ओह फेवरेट साड़ी है वो, नाम क्या, नाम क्या इसका,
साड़ी का नाम साड़ी होता है। नाम क्या है इसका? साड़ी नहीं, लहंगा है। लहंगा है। मामी को सर पे पल्ला नहीं लेना चाहिए और पेटू नहीं दिखना चाहिए। मैं अभी उससे आशीर्वाद देके गई ना, ऐसे करती हटाओ उसको। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आज के दिन मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। और इसीलिए भाई यहाँ पर खड़ा था, बोल नहीं पा रहा था, वहाँ रूम में जाकर रो कर आया, क्योंकि सारी यादें ताज़ा हो जाती है ना। उसने साड़ी में देखा हुआ है मुझे, मैं फेवरेट मेरी साड़ी है, आशीष जी की फेवरेट साड़ी है। सारी बातें एकदम आँखों के सामने आ जाती हैं। और पहली सालगिरह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, बहुत ख़ास दिन होता है। उस पर मेरी साड़ी को पहनना, क्योंकि आप लोग समझते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ईश्वर मेरी भाभी को हमेशा जो जो भी उनके मन में है, जो वो चाहती हैं कि ऐसा हो, उससे बढ़कर ही दे। खूब सारा आशीर्वाद उनको मेरी तरफ से भी और उनके जिया जी की तरफ से भी, क्योंकि आज जो उसने किया है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, पर मैं समझ रही हूँ कि अपने ख़ास दिन पर उसने सिर्फ मुझे स्पेशल फील कराने के लिए और आशीष जी का आशीर्वाद उस पर रहे, उसको फील करने के लिए उसने इतना बड़ा काम किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ईश्वर सबको ऐसी भाभी दे। सो सभी को लग रहा होगा अपन इस व्लॉग में आ गए। जी हाँ, तो आप सबने इतना प्यार दिया, नेहा दीदी मम्मी सबने इतना अच्छा सरप्राइज दिया, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब आज रात में काफ़ी कुछ सरप्राइजेज हैं जो हम कि हमको नहीं पता है कि क्या क्या सरप्राइज है हमको। और आज मैंने जैसे कि दीदी की साड़ी पहनी है, ये देखो, मतलब आज ना दिन बन गया, ऐसा लग रहा है सुबह से। आज इसने नेहा दीदी की फेवरेट साड़ी पहनी, मतलब नेहा नहीं, आशीष जीजू की फेवरेट साड़ी पहनी है। जीजू और दीदी का आशीर्वाद वाली साड़ी, जो मेरी फेवरेट साड़ी है। और तो इतनी आई, ऐसा पहला लुक ऐसे लगा कि मेरे सामने नेहा दीदी आ गई। तो क्वाइट इमोशनल था वो मेरे लिए, वो मोमेंट। तो अब रात में बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। तो सुबह कैसे हम एनिवर्सरी मनाएंगे? और बोलो। मेरे पास शब्द नहीं है, तो बाद में बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ ना, एक साल कैसे निकल गया, हंसते खेलते पता ही नहीं लगा। और फैमिली इतनी अच्छी होना, तो भाई आपको दिन कम पड़ जाएंगे, पर आप अपनी फीलिंग्स और आपके शब्द ना कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। सही, बस यही है, मतलब बहुत मैं अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब डे वन हमारा फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी, तो वो फैमिली ने जो सरप्राइज दिया था, वो सरप्राइज तो कभी नहीं भूल सकते। मतलब वो लाइक ऐसा था कि मतलब बोलते ना, बिल्कुल आप सोच नहीं सकते हो। वो तो अलग सरप्राइज था, बहुत ही तो अलग। आप और सारे मोमेंट्स हमारे बहुत ही बहुत से मोमेंट्स है, मैंने आज हम ये दीदी के उसमें शेयर कर रहे हैं, बहुत से मोमेंट्स, मतलब हम मैं बताऊँ ना, बहुत स्वीट्स और हैप्पी फैमिली क्या होती है, वो मैंने इस एक साल में जाना है। मतलब मैं पर्सनली कहता हूँ कि अगर खुश रहना है ना, तो सबको साथ रखे चलना पड़ता है। और मेरी मतलब मम्मी पापा हम लोग का, इन लोग का आशीर्वाद, दीदी का, हम लोग पे ऐसा है ना कि कोई बहुत से अप एंड डाउन भी आते हैं लाइफ में, आप सबको पता होगा, पर जब फैमिली साथ होती है ना, तो ये मुश्किल है ना, इतनी सी लगती है, इतनी सी हंसते खेलते सब निकल जाते। तो इसलिए बोलते हैं फैमिली साथ होना चाहिए। तो हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं, सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास मेन ऐसी एक बहन है जो बहन कम, मतलब हमारा हमारा प्रोटेक्टर है, हमारा प्रोटेक्टर है, मतलब ये हमको प्रोटेक्ट करके रखती है। मतलब ये मालूम है कि उसके भैया भाभी पे खरोच आ जाए ना, तो वो आग लगा देगी, ऐसी है। तो एक तो बहन ऐसी, ऊपर से मम्मी पापा, तो मतलब क्या ही बोले यार। अब हम सच में हो गए बड़े, बट आज भी इन लोग का प्यार देख के ना, हम लोग छोटे ही रहते हैं, हमको नहीं बनना पड़े, ये लोग है ना हमारे साथ, हमको नहीं बनना पड़े, हम छोटे ही सही हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। और शाम को तो ऐसा है, मेरे को हमको कुछ भी नहीं पता क्या है, बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा बस दीदी ने बुक, मतलब होटल होटल बुक किया, बस इतना ही पता है हमको। तो शाम को क्या है हमको कुछ नहीं पता, थोड़ा सा फैमिली फंक्शन हम लोगों ने कर रहे हैं, स्पेशल है, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां हैं, बस वो भी सारी चीजें आपको पता लगती रहेंगी। और बस इसी तरीके से जब आप लोग आज तक हम लोगों को इतना सपोर्ट, इतना सारा प्यार करते आए, तो बस हमारी दीदी को खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दें, और हमें भी दें, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं।
तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए नेहा आशीष तिवारी जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, खूब सारे कमेंट सेक्शन से दीदी का कमेंट सेक्शन भर दीजिए। अगर आप हम लोग को प्यार करते हो तो इस ब्लॉग पे जो अभी डलने वाला है थोड़ी देर में, इस ब्लॉग को मेरे को 1000 कमेंट्स चाहिए। अगर आप हम लोग को सच्चा प्यार करते हो, मैं देखता हूँ कि आप हम लोग कितना प्यार करते हो, 1000 कमेंट चाहिए हमको इस पे। सो मच, बने रहो, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।